पिछली क्लास में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने मुंह से लेकर के अमाशय तक का पिछला भाग में अध्ययन किया। आज हम छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके बाद में जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं उन सब के बारे में, यानी पाचक ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। और इसके बाद अंतिम जो इसका चरण होगा वो होगा इनकी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम के अंतर्गत जो कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग छोटी आंत से स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़ेंगे, बढ़ते हुए बड़ी आंत की तरफ जाएंगे। तो छोटी आंत क्या है, उसके कितने भाग होते हैं और छोटी आंत में जो अपना ये पाचन तंत्र का जो कार्य है वो कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्लाइड पर छोटी आंत को देखेंगे और इसके बाद में इसकी डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं छोटी आंत के बारे में। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में मुंह से लेकर के अमाशय तक का पूरा पाठ पढ़ लिया है। अमाशय के बाद से जो ये उल्टा सी शेप में जो आकार आता है इसी को हम लोग डियोडेनम पार्ट कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि अमाशय के बाद से जो बड़ी आंत तक का बीच का पाचन तंत्र का सफर होता है वो छोटी आंत में होता है पूरा। तो छोटी आंत में तीन पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट जैसे डियोडेनम, जेजनम और इलियम। यानी कि डियोडेनम 12 इंच के आसपास होता है, इसके बाद जो भाग चालू होता है वो जेजनम होता है और जो इलियम होता है वो अपेंडिक्स के पास का हिस्सा होता है। तो हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर हम छोटी आंत को अगर एक परिभाषा के तौर पर कहें तो एलिमेंट्री कैनाल का यह सबसे बड़ा भाग होता है क्योंकि यहाँ पाचन देर तक होता है। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। यहाँ पर आप एक नंबर के क्वेश्चन इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 5 से 6 मीटर, या अगर फुट में पूछता है तो 20 फुट आप इसकी लंबाई बता सकते हैं। छोटी आंत की लंबाई 20 फुट होती है। यह एक अत्यधिक सक्रिय और कुंडली नुमा, आप ये देख रहे हैं कि कुंडली के आकार की असंख्य कुंडलियां बनाए हुए होती है, एक संरचना होती है और इसमें तीन पार्ट कार्य करते हैं। तो पहला पार्ट होता है जो अमाशय से उल्टा सी शेप में होता है, जिसे हम डियोडेनम पार्ट कहते हैं। तो डियोडेनम कहाँ, तो ये कह सकते हैं कि जहां से अमाशय समाप्त हो रहा है और अगली संरचना स्टार्ट हो रही है उसे हम डियोडेनम कहते हैं। और अंग्रेजी के सी के आकार की होती है और इनके चार भाग होते हैं। डियोडेनम के दूसरे भाग में दो नलियां खुलती हैं जिन्हें हम पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं। और पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में एंजाइम निकालता है और डक्ट जो होता है इसमें एंजाइम निकलता है और उसमें एक जूस भी निकलता है जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं। और कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम में उसका पित्त का निर्माण करती है और या फैट के पाचन में सहायक होती है। तो ड्यूडेनम का इतना प्रमुख कार्य होता है। और जो जेजनम होता है इसके बाद का हिस्सा, यानी कि जो सी आकार के बाद का हिस्सा जो होता है वो जेजनम का होता है। यह छोटी आंत का मध्य भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर के आसपास होती है और इसके अंतिम जो चरण होता है इसका या अंतिम पार्ट होता है वो होता है इलियम का। तो यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। अभी देखिए इसके बाद का अंतिम भाग है और इसकी लंबाई लगभग 3 से 3.5 या 4 मीटर के आसपास होती है। छोटी आंत का भोजन का मतलब छोटी आंत में भोजन का प्रमुख पाचन होता है और लगभग लगभग पाचन का ये पूरा जो प्रक्रम होता है कंप्लीट हो जाता है। और छोटी आंत की जो इसके अंदर ये जो नलियों के अंदर की जो आकृति होती है वो छोटी छोटी इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा निकलने वाले तरल पदार्थ को इंटेस्टाइनल जूस के नाम से हम लोग जानते हैं या जूस कहते हैं। इसकी छोटी आंत में उंगली के आकार की एक संरचना पाई जाती है। उंगली के आकार की संरचना को हम लोग विलाई के नाम से जानते हैं, VI LLI विलाई के नाम से जानते हैं और जिसे हम लोग रोमांकुर भी कहते हैं हिंदी में। और इस विलाई का पूरा काम होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है, इसका जो पाचन का जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाना होता है, यानी ताकि अधिक से अधिक पोषक तत्व शरीर में ज़्यादा अवशोषित हो सके, ये एलियम का काम होता है। तो छोटी आंत के ये तीन पार्ट थे। अब इस छोटी आंत के तीन पार्ट के बाद में छोटी आंत में पाचन किस प्रकार होता है
इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि इतने बड़े भाग में जो पाचन का अंतिम प्रक्रम या अंतिम जो ये कंप्लीट होने वाला जो ये प्रोसेस होता है पाचन का, वो किस प्रकार होता है। तो ये इसको अगर एक परिभाषा के तौर पर लिखना हो तो उसको इस प्रकार लिखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के इस सबसे बड़े भाग पर होने वाला पाचन में कुछ ग्रंथियों द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि और महत्वपूर्ण ग्रंथि का काम होगा लिवर। यानी कि यहाँ से हम एक लिवर के बारे में एक नया टॉपिक भी बना सकते हैं कि लिवर क्या होता है। तो इस लिवर के बारे में, मतलब इस छोटी आंत में इस लिवर का क्या प्रमुख रोल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिवर क्या है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यह हमारे शरीर में एब्डोमेन के दाई तरफ और डायफ्रागम के नीचे, यहाँ पर डायफ्रागम पाया जाता है जो एब्डोमेन कैविटी और थोरैकिक कैविटी को आपस में बांटने का कार्य करता है। तो डायफ्रागम के नीचे उपस्थित होता है और लिवर की संख्या सिर्फ एक होती है, लेकिन इसको हम लोग दो लोब में बांट सकते हैं, राइट और लेफ्ट लोब में। तो इसके बाद में इसकी निचली सतह पर पित्ताशय पाया जाता है, गॉल ब्लैडर होता है, और इससे बाइल का निर्माण होता है यानी कि पित्त का निर्माण होता है। और इसका संचय जो होता है बाइल डक्ट में होता है, और पित्त में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसके कारण ये एसिडिक रीजन में पाए जाते हैं। और पित्त का निर्माण क्षतिग्रस्त आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। ये प्रमुख पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर नोट कीजिएगा कि पहला इसके दो लोब लिवर के पाए जाते हैं, और बाइल का निर्माण करना भी इनका काम होता है, और पित्त में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ये दो तीन पॉइंट्स हैं जिसको आप वन वर्ड के लिए नोट कर लीजिएगा। और इनका जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, और पित्त का निर्माण आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और पित्त के अगर वर्क पूछे जाएं तो पित्त के क्या वर्क हैं, इनके बारे में आप कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, इसको लिख सकते हैं, और इसे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो जहाँ पर आप पित्त के वर्क के बारे में अगर कोई इंटरव्यू में या 5 नंबर के वर्ड में अगर पूछा जाए कि पित्त के क्या कार्य हैं, तो इसके लिए आप 5-6 लाइनें लिख सकते हैं कि ये पित्त क्या है, इसका क्या कार्य है। तो सबसे पहला काम है काइन की अम्लीयता को उदासीन कर देना, इनका प्रमुख कार्य है। काइन की अम्लीयता को उदासीन कर देना इनका प्रमुख कार्य है। दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस के लिए ये क्षारीय माध्यम का कार्य भी करते हैं, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है वसा के इमल्सिफिकेशन का कार्य करना, इनका प्रमुख कार्य है। और अंतिम पॉइंट है इसका खाद्य पदार्थ में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना, बाइल का कार्य है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये पित्त के कार्य हैं, ये इनको आप नोट कर लें। और इसके बाद लिवर का कार्य मैंने पिछले वीडियो में आपको लिवर के बारे में बता ही दिया है, लेकिन अगर फिर भी अगर पॉइंट्स वाइज लिखना हो तो 4-5 पॉइंट्स है। तो पहला है कि डीएमिनेशन, है ना, डीएमिनेशन का मतलब होता है अमोनिया को यूरिया में बदलना और पित्त का श्रावण करना। तीसरा है ग्लाइकोजिनेसिस या ग्लाइकोलिसिस, और वसा का उपापचय डिटॉक्सिफिकेशन, और अंत में है प्रोटीन और एंजाइम्स को बनाना। ये 6 पॉइंट्स हैं लिवर के कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब जो पाचन तंत्र का अंतिम भाग आता है वो बड़ी आंत के बारे में आता है। तो बड़ी आंत क्या है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे कि बड़ी आंत के कितने पार्ट हैं उनको। चलिए स्लाइड पर हम लोग देखते हैं। अब ये देखिए बड़ी आंत है, यहाँ पर अपेंडिक्स पाई जा रही है, और यहाँ से जो असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसपेरेंट कोलन, इसके बाद रेक्टम और एनस, ये 4-5 पॉइंट हैं, भाग हैं बड़ी आंत के। तो बड़ी आंत के जो अगर इसकी भाषा अगर लिखनी हो तो छोटी आंत का अंतिम सिरा बड़ी आंत कहलाता है, यानी कि बड़ी आंत में खुलता है, और इसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 मीटर के आसपास होती है। और इसे हम सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट में प्रमुख पार्ट है सीकम, कोलन और रेक्टम। कोलन ये 3 भाग हैं इसके, सीकम जहां पर अपेंडिक्स जुड़ता है, और रेक्टम जहां अंतिम मल त्याग का रास्ता होता है, वो 3 पार्ट हैं। तो सीकम क्या है, ये बहुत छोटा हिस्सा होता है और इसकी लंबाई लगभग
लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है, और इसमें एक संरचना होती है जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। अगर अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन हो जाए तो उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं, और अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग होता है, इसलिए बीमारी होने पर इसे सीधे निकाला जा सकता है, ये अवशेषी अंग के रूप में है। अब अगला पार्ट आता है कोलन का। तो कोलन ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य अधिक से अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करना है, यानी कि जो पाचक तंत्र में जो भोजन ग्रहण किया जाता है तो उससे जितना अधिक से अधिक मात्रा में जल का अवशोषित करना और मल का निर्माण और संग्रहण होता है इसके अंतर्गत। और इसके 3 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलन और ट्रांसपेरेंट कोलन और डिसेंडिंग कोलन। और इसके बाद अंतिम प्रक्रम होता है रेक्टम का। रेक्टम है कि ये 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होती है। आप ये देखिए कि एस अक्षर की तरह ये आकृति बनी हुई है, और इसमें इसका प्रमुख कार्य है मल का संग्रहण करना। और अंतिम जो पार्ट होता है वो एनस का होता है। एनस के अंतर्गत यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, और इसमें स्मिचर टाइप की मसल्स पाई जाती है। मैंने स्मिचर को बताया था कि किसी विशेष कार्य के लिए अपनी आकृति को बढ़ाना और वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाना स्मिचर का प्रमुख कार्य होता है, और इसका प्रमुख कार्य होता है मल का निष्पादन करना। तो ये मैंने पाचन तंत्र के सभी भागों को, मैंने मुख से लेकर के छोटी आंत बड़ी आंत तक के सारे पार्ट के बारे में डिटेल में आपको बताया। आशा करता हूँ कि ये पाचन तंत्र का जो ये पार्ट था बड़ी आंत तक का, ये आपको समझ में आ गया होगा। जिस किसी को भी ये समस्या आ रही हो कि मुझे ये जो पाचन तंत्र का पार्ट कहीं पर समस्या हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, और जिससे अगले आगे वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।